यहाँ पे मैजिक कारपेट को उड़ा रही है तो उड़ नहीं रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स बच्चों को लेने के लिए स्कूल। और इस समय ना बारिश हो रही है हल्की हल्की और काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम। डेली बारिश हो रही है, जब भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना मॉर्निंग में तब भी बारिश हो रही है और इस समय भी बारिश हो रही है। कल तो अच्छी धूप थी दिन भर, लेकिन शाम को ना बहुत तेज़ बारिश होगी। तो चलो, अभी रेनी सीजन है, डेली बारिश तो होगी। बारिश तो हल्की है, लेकिन मैंने रेनकोट डाल दिया क्योंकि आजकल की बारिश का भरोसा नहीं ना कब तेज़ हो जाए। स्कूल में ना ये न्यू एक्टिविटी एरिया बन रखा है। आइसक्रीम 10 रुपीज दिया था तुम्हें मॉर्निंग में, 20 रुपीज नहीं तो बस हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी गला बैठ जाएगा। आज गुनगुन गुनगुन आई, हेलो कर दो। और वंश नहीं आया क्योंकि उनके एग्जाम है ना मंडे से, तो प्रिपरेशन लीव मिली हुई है सीनियर्स को। तो स्विमिंग जाओगे आज? तो आज स्विमिंग का लास्ट डे हमारा, क्योंकि एक महीना हो गया ना, और मैं तो नहीं जाऊँगी। यहाँ पे फ्रेंड की शॉप है और उसने यहाँ पे रुकने को बोला है, तो देखते हैं। क्यों रोका मुझे? हाँ, ले ले। अरे वाह, सही में मामा पहले से घर में थे, काम के लिए बुलाया दीदी ने। और ये भी ना पेड़ों पे पके हुए नेचुरल। आम लुढ़क गया, किधर गया? गया गया, एक और गया। अरे एक बात बताओ, तुम आम लुढ़का क्यों रहे हो? हमारा इवनिंग में प्लान है मेले जाने का, गुनगुन भी जाएगी स्विमिंग के बाद, गुनगुन भी जाएगी और देखते हैं मौसम ज्यादा खराब रहा तब भी जाएंगे और आपको भी घुमाएंगे मेले में। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर। तो अब करते हैं हम लंच और तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर जाएंगे इवनिंग में मेले। तो करते हैं अभी लंच, रेस्ट करके मैं अभी अभी आई हूँ। इस समय हो रहे 4:15 और अपने लिए मैं मैंगो काट के ले आई। ये वही मैंगो है जो मैंने कल लिए थे और काफी अच्छे हैं, आप भी लो फ्रेंड्स। और ये मैंगो है चौसा आम बोलते हैं इसको। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है तो घूम के आएंगे क्योंकि ना बहुत नज़दीक है और फिर उसके बाद तो बिजी हो जाएंगे, बच्चों के एग्जाम है। तो चलो आज घूम के आते हैं। हो गए हम रेडी मेले में जाने के लिए, मैं, गुनगुन और शिवानी जा रहे हैं, तो हम तीनों ही जाएंगे। तो साथ में फ्रेंड ने भी चलना था लेकिन आज उनको काम पड़ गया तो वो लोग कल जाएंगे और कल मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ से शिवानी को लेते हैं और फिर चलते हैं मेले में, और वो रेडी हुई कि नहीं हुई देखते हैं अभी। और गेट नहीं खुल रहा, जोर से आगे पीछे करो गेट को। सच में ओ खुल गया। शिवानी अभी रेडी हो रही है, अब मैं यहीं पे वेट कर लेती हूँ उसका बाहर पे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, एकदम ठंडा ठंडा सा बारिश के बाद, बहुत ही अच्छा। प्लांट दिखाती हूँ आपको, अभी हमने डिसाइड किया कि हम पैदल जाएंगे। अमन भी जा रहा है तो मैं, शिवानी, गुनगुन और अमन चलेंगे। और अभी शिवानी थोड़ा सामान ले रही है और फिर चलते हैं उसके बाद। मैं यहाँ पर दीदी से मिल रही थी, शिवानी की मम्मी से, और बच्चे लोग ना मुझे छोड़ के चले गए। ये जा रहे तीनों तीनों और आगे से जा रहे हैं अमन, ये भी जा रही। पूछो उसकी मम्मी से, हेलो नमस्ते। तो वरु भी जा रही है हमारे साथ और ये शिवानी की नेबर की बेटी है। तो चलते अभी, पहुँच गए हम मेले में, देहरादून ट्रेड फेयर। तो ये लगा हुआ मेला, तो बरसात में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा। हर माल 10 रुपये का, हर माल 7 रुपये का, ये 7 रुपये वाली आइटम। यहाँ पे तेल देख लेती हूँ, किस चीज़ का बताया आपने? ये नीलाम्बरी आयुर्वेदी होता है मैडम, आदिवासी का बना हुआ तेल होता है मेरे लिए। आदिवासी का मतलब आदिवासियों ने बनाया रहता है? आदिवासी लोग ने बनाया। ये नारियल के तेल में, कोकोनट नारियल के तेल में जड़ी बूटी डालकर पकाया जाता है मैडम। झड़ने वाला बाल पे रुकावट करेगा, पतले से बाल पे मोटा करेगा, सफ़ेद बाल पे काला करता है मैडम। और एक महीने में 6 इंच लंबा बाल करने के लिए शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा तेल होता है मैडम, ये कोई कंपनी का पैटिकल नहीं होते, 1 साल के बच्चे को लगा सकते हैं, कोई डरने की कोई बात नहीं होती। अच्छा। नारियल के तेल में बनाया जाता है मैडम। जो बाल आपका सफ़ेद हो रहा है, घर से काला करेगा, झड़ रहा है बाल के लिए रुकावट करेगा, जो सिर में डैंड रखता है, खुजली है, पूरे घर से हटाता है मैडम। और एक महीने में 6 इंच लंबा बाल करने के लिए शुरुआत करता है मैडम। एक महीने में 6 इंच? 6 इंच लंबा बाल होता है मैडम। अच्छा, कितने कितने के हैं मैडम? ये वाला है मैडम, ये 600 की बॉटल है, 500 में दे रहे हैं। और उससे छोटी वाली मैडम, ये 300 की बॉटल है, 250 रुपये में दे रहे हैं मैडम। गारंटी है 2 दिन, 2 दिन में आपको फायदा मिल गया तो बॉटल रखने का, नहीं हुआ तो वापस करके पैसा लेके जाने का मैडम।
पूरा एक महीना तक इधर बैठे हैं हम। नहीं वो तो सही है पर महंगा बहुत है। महंगा भी है, मेरा फायदा भी करने वाला तेल है। बहुत ही ज्यादा महंगा है, जब मैंने सोचा ऐसे होगा 100-150 का ऐसा होगा। लो मैडम और भी आपके 50 रुपए कम कर देंगे, 200 रुपए लगा। नहीं नहीं इतना नहीं यार, मैं तो इसलिए रुक गई, मुझे लगा ठीक ठीक मिल जाएगा। बहुत महंगा ऑयल बताया उन्होंने, यहाँ पे कैमल राइड भी है। छोटी बोटिंग है बच्चों के लिए 50 रुपीज की है। वरु भी बोटिंग कर रही है। वरु वहाँ जाओ, खुले में जाओ। वरु इधर जाओ बेटा, खुले में उल्टा उल्टा। हाँ यस यस यस। अमन और गुनगुन गए इसमें जैंट व्हील में झूलने के लिए, और मुझे तो काफी डर लगता है इसलिए मैं नहीं जाती। तू नहीं झूल रही किसी में? हाँ झूलती हूँ उसमें, इसको उतार दी मैंने। अच्छा इसी में जा रही, तू भी जा रही? तो डर नहीं लगता? मैं तो 360 वाले में गई थी, जब उधर लगा था। तो थक गई, कारपेट देख रही शिवानी। वरु यहाँ पे मैजिक कारपेट को उड़ा रही है, तो उड़ नहीं रहे। नहीं उड़े बच्चे, ट्रैम्पोलिन में एंजॉय कर रहे। ट्रेन है छोटे छोटे बच्चों की, काफी एक्टिविटी है यहाँ पे बच्चों के लिए। ये वाली ये सारी तो इसमें बैठी है गुनगुन। कैसा था? बहुत ही गंदा है, इतने धीरे थे ना। धीमे धीमे था ये। और अब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ मैं भी जाऊंगी भूत बंगला में। ये टिकट काट रहे हैं, ये बोल रहे हमें डर लगता है। नहीं डर लगी, मैं बाहर आना चाहूँ तो आने देते? हाँ तब ठीक है, तो मैं इनसे चेंज लेके आती हूँ। चेंज होंगे आपके पास? कितने का? 500। तो चेंज मिल गए और 50 रुपीज है टिकट। एक्साइटेड भी है और मुझे तो डर भी लग रहा है। शिवानी ये बताने कहाँ गए भैया? मुझे वहां तक छोड़ दो भैया, मुझे तुम कितने गंदे हो, मुझे छोड़ के आ गए। जाओ ना मम्मी, जाओ ना यार, ये वापस। शिवानी डर लग रही, शिवानी वापस चल प्लीज। अच्छा रुक जाओ, तो लाइट कर लेते। अरे लाइट मत करो, अलाउ नहीं है। अच्छा अलाउ नहीं है? हां शिवानी वापस चल, शिवानी वापस चल, ये कुछ शिवानी वापस चल, ये मत शिवानी प्लीज प्लीज आ जाना। अरे कुछ नहीं, मैं कह रही हूं, मैं कह रही हूं ना, आपको कुछ नहीं है। मैं वापस आ गई, उधर से चलो। कुछ भी नहीं आ गए, सिर्फ वही लड़का खड़ा था बस। भाई इधर डर लग गई थी, डेंजर आवाज आ रही थी। ये लोग मुझे ना पहले छोड़ के चले गए थे, इसलिए मैं नहीं गई। हम दोनों बहुत डर हो गए, तो ये भी नहीं गई और मैं भी नहीं गई। हाँ फिर रात भर नींद नहीं आती ना, तो हम दोनों ऐसे हैं, इसलिए हम दोनों नहीं गए। शिवानी गुनगुन और अमन चले गए ड्रैगन वाले में। गुरु ने ये लिया है और इसे इंजॉय कर रही है। कैसा रहा? ये अच्छा था? तो डर तो नहीं लगी? अरे मजा आ गया, ड्रैगन में अच्छा लगा बच्चों को। गुनगुन ये गेम खेल रही है, बुरु डाल रही है अभी। बरु बरु यार, अब मेरी बारी। किसी में भी जिसमें 10 का नोट है वो वाला। अच्छा इसके नोट में डाल। नहीं यार नहीं पूरा। तो गेम खेल लिया और अब हम जा रहे हैं घर। अमन पहले ही चला गया, उसने झूला 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 और फिर चला गया, बोर हो गया था। यहाँ पे रुके हम फास्ट फूड खाने के लिए, वो गुरु का फेवरेट। शिवानी ले जा ले। गुरु नहीं बरु, बरु यार इसका नाम है। बुरु बुरु बोलती खड़ा हो गया, देखो कितना प्यारा है। मोमोज, गुनगुन ने कबाब मंगाए, मैंने स्प्रिंग रोल मंगाए और अब खाते हैं। जी ले लेते हैं यहाँ पे बैंगन का भरता खा लेता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये तो छूना भी मत इन्हें। मेले से भी घर पहुँच गई और दूध लेकर भी आ गई। अभी मेला ज्यादा बड़ा नहीं था, कम ही लोग आ रखे थे, लेकिन बच्चों ने एंजॉय किया, झूला वगैरह झूला। अगर आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो ब्लॉग को लाइक करना ना भूलना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।